जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे श्रद्धालु घूमने में सुगमता होगी। और मानवर एक अतिरिक्त ट्रेन पैसेंजर ट्रेन कासगंज से फरखाबाद के लिए चलाए जाने का भी मैं अब आपसे आग्रह करता हूँ, जिससे यात्रियों को फरखाबाद जाने में सुगमता होगी। मानवर मैं आपके माध्यम से रेल बजट पर चर्चा में माननीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद ध्यान इटावा और मैनपुरी इटावा में मैनपुरी फाटक के पे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर अंडर ब्रिज बना हुआ है, बरसात के समय वहाँ पर पानी की समस्या आ जाती है और उस पानी की समस्या के चलते एक तरफ का हिस्सा जो बड़ी आबादी का हिस्सा है वो शहर से उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि उधर जो पुल के ऊपर एक पैदल पुल और दुपहिया पुल बनवाने का कष्ट करें, इस बजट में इस प्रावधान को लें, जिससे एक बड़ी आबादी का हिस्सा शहर से जुड़ सके। मेरा आपसे यही कहना है कि इन मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य श्री देवेश साकी जी। हो गया मैडम, नेक्स्ट माननीय सदस्य बापी हल्दर जी। प्रथम ही धन्यवाद कृतज्ञता जाना मैडम आपके 2024-25 रेल बजेटे बलार सूझ कर देवर जो महोदय मन करी।